आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वजीफा जिसे करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये एक ऐसा वजीफा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगे वो इसके जरिए पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको इसमें किसी का भी बुरा नहीं करना है। अगर आप किसी बुरे इरादे से किसी का अनचाहा करने के लिए इस वजीफे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वजीफे के बारे में। ये वजीफा आपको जुमेरात के दिन करना है। जुमेरात को रात के समय आपको इसे पढ़ना है। इसे पढ़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको चाहिए होंगी दो प्लेटें, एक सफेद रुमाल, उस इंसान की फोटो जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और एक सच्चा अनार। जी हाँ, याद रखें अनार लाल होना चाहिए। उसका छिलका उतारकर आपको अनार के दानों से ये वजीफा पढ़ना है। अनार के दानों को एक एक करके छीलना है और उसके बाद उन प्लेटों में रखते जाना है। एक प्लेट में आपको उस इंसान का फोटो रखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब आपको सबसे पहले अनार के दाने निकालने हैं। इसे एक कटोरी में निकाल के रख लें। अब एक प्लेट में एक दाना रखें और उसको वो वजीफा पढ़ते जाएं। जितने दाने उतनी बार वजीफा पढ़ना है। याद रखें अनार में जितने दाने हैं आपको एक भी दाना बर्बाद नहीं करना है। सारे दानों पर वजीफा पढ़ के हर दाने को आपको रखते जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको जितने दाने निकले हैं उसमें से एक दाना खुद खाना है, दूसरा दाना उस प्लेट में रखना है जिसमें आपने फोटो रखा है। इसका मतलब आधे दाने आप खाएंगे और आधे दाने उस प्लेट में चले जाएंगे। इस तरीके से अब आपको पूरा वजीफा पढ़ लेना है। जितने भी दाने आपने उस फोटो वाली प्लेट में रखे हैं अब इन सबको उठाकर आपको सफेद रुमाल में बांध लेना है। इस रुमाल की पोटली बनाकर आपको बहते हुए पानी में इसको बहा देना है। याद रखें वजीफा पढ़ते वक्त किसी से बात ना करें। इस पोटली को बहते पानी में जब बहा देंगे तो पीछे मुड़कर ना देखें और खामोशी से घर आ जाएं। इस वजीफे से आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप जिसको भी अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी समझ में ना आई हो या फिर आपको हमारा वजीफा पता करना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो कॉल लगाएं मौलाना जी को। उनका नंबर है +917220625 93। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं मौलाना जी से।